हाय बच्चू हेलो एवरीवन तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने स्पेशली टू ऑल द नीट एस्परेंट्स ऑफ 2025 अभी जस्ट जे का पूरा का पूरा सर्कुलर आउट हुआ है एन की वेबसाइट पे जहाँ पे उन्होंने इस बार का पैटर्न चेंज कर दिया है रीजन ये दिया है कि पैंडमिक के टाइम पर हमने थोड़ी सी लीनियंसी की थी जहाँ उन्हें दस क्वेश्चन मिलते थे न्यूमेरिकल में उसमें से ऑप्शनल होते थे और उन्हें करने होते थे तो बेसिकली ऑप्शन को डिक्रीज़ कर दिया गया है तो अगर हम देखें कोविड के टाइम पे तो नीट का पेपर भी जो था पैटर्न चेंज हुआ था हमारे 180 से 200 क्वेश्चन हो गए थे टाइम उन्होंने 20 मिनट ज़्यादा दे दिया था तो क्या आप एन टी ए नीट के पेपर में भी वापस से वन वा एटी क्वेश्चन करने वाला है पहला सवाल मेरा ये है क्योंकि उस टाइम पैंडमिक के टाइम पे ही ये चेंज हुआ था दूसरी चीज जो उन्होंने की थी एन टी ए ने नीट में वो ये किया था कि स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टी एनसीआरटी बेस्ड ही पेपर बन रहा था कुछ भी ऐसे क्वेश्चन ही थे जो आउट ऑफ एनसीआर टी है तो क्या दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार पेपर का लेवल टफ होने वाला है तीसरी चीज अब हम प्रिपरेशन करें तो कैसे करें मैम इसकी तो इसके लिए बेस्ट है क्रैश कोर्स है कल मैं उसका पूरा प्लानर बताने वाली हूँ बच्चों तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें डू लेट मी नो डू यू थिंक कल मैं इस पर डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी पैनिक मत कीजिएगा क्रैश कोर्स में डिसम्बर से पहले पूरा कंप्लीट करा दूंगी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जाके लाइक करके अटेंडेंस लगा दो फटाफट से